गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सर पटेल बीना। आगे हम अभ्यास कर चुके हैं समुद्र तट। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे भारतस्य तिषु दिशासु समुद्र तटा। सनितः अस्मादः एव कारणाम भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यन्ते। पूर्व दिशाया बंगाल सागर, दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, पश्चिम दिशाया च अरब सागर अस्ति। एतासा त्रयाणाम अपि सागराणाम संग्रह कन्याकुमारी तटे भवन्ति। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदया सूर्यास्त च युगपदेव दृष्टु अशक्यन्ते। अब हम इसका शब्दार्थ लिखेंगे। भारतस्य यानी कि भारत का त्रिशु तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सहित समुद्र तट है। अस्माकम एव कारणम इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशाया बड़ो सागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। और पश्चिम दिशाया च अरब सागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषा त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमम इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवन्ति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदे दृष्टु शक्यन्ते। या पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। भारत का ऑफ इंडिया त्रिशुषु दिशाषु तीनों दिशाओं में इन ऑल थ्री डायरेक्शंस अस्माद एव कारणात् इसी कारण से फॉर दिस वेरी रीजन प्रायद्वीप इति ऐसा दिस कथ्यन्ते।
कहा जाता है, इज सही। पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में, इन द ईस्ट, बड़ो सागर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, दक्षिण दिशा या दक्षिण दिशा में, इन द साउथर्न डायरेक्शन, संगम, मिलने का स्थान, प्लेस, पूर्णी व्यायाम, पूर्णी मापर, ऑन पूर्णिमा, सागराणाम, सागरों का, ऑफ द सीस, युगपदेव, एक साथ ही, एट द सम टाइम। अब हम सल्लार्थ लिखेंगे। सल्लार्थ, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यह पूर्णिमा के
अवसर पर, चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। There are beaches in all the three directions of India. For this very reason, India is called a Prayagraj. In the east direction, there is Bay of Bengal. In the south, there is of India Ocean, and in the west, there is the Arabian Sea. There is confluence of all their three at all Kanyakumari beach. On the full moon day, it is possible to see both of moonrise and the sunset at the same time. Prashna Abhyas. Second question. Adho Likhtana Prashna Naam Uttar Likhata. First. जना का भी जल विहारा को बनती, इसका आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट, जना नौका भी जल विहार कुर्वन्ती। सेकंड का आंसर चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य दीर्घतम समुद्र तट। थर्ड, मुंबई नगरस्य जुहू तटे जना स्वेर विहरन्ति। फोर, बालुका भी बालुका गुरु रचयंती। फाइव, क्वचित तट नारिकेलेभ्य न्यायते। क्वेश्चन थ्री, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यन्ते, हमें इसमें से चूज करके लिखने हैं। फर्स्ट में आएगा
संगम। सेकंड में आएगा प्रायद्वीप। थर्ड में आएगा पर्यटनाय। फोर्थ में आएगा क्रीड़ा। और फिफ्थ में आएगा बड़ोपसागर। यथोयोग्य योजता, हमें यथोयोज मेल करना है। समुद्र तट तो पर्यटनाय, क्रीड़ानं क्रम खेलनाय, दुर्गदम पोषणाय, दीपकम प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। क्वेश्चन 5, तृतीय विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानानि प्रयुक्ते। यहाँ पे फर्स्ट में आए बालिका का हो जाएगा बालिका बी। सेकंड का कमल का हो जाएगा कमले। कंदुके का हो जाएगा कंदुकेन। अश्वे का हो जाएगा अश्वे। मृग का हो जाएगा मृगे। क्वेश्चन 6, जिसमें हमें सेंटेंस लिखने है। एक हमें दिया गया है, सेकंड का हमें बनाना है। रहीम द्विचक्री कया आपण अगस्यन्ति। रहीम कलमेन पत्र लिखती। रहीम हस्तेन कंदुकः क्षिप्ति। रहीम नौकाया जलविहार करोति। रहीम चिषकेन जल पीबति। रहीम तुलिकया चित्र रचयन्ति। रहीम वायुया नेन व्यू आगस्यत। क्वेश्चन 7, कोष्ठकांत उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यन्ति। हमें इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट में निर्धनाय, सेकंड में आएगा पठनाय, थर्ड में आएगा परोपकराय, फोर में आएगा छात्रेभ्य, और लास्ट में आएगा शिक्षकाय। यहाँ हमारा सिलेबस
लेसन 6 है वो खत्म होता है।